हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज जो हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में, वो है हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स। इसमें जो प्रॉपर्टी है वो है हमारे पास आर्कमिडियन प्रॉपर्टी। आर्कमिडियन प्रॉपर्टी क्या होती है फ्रेंड्स? इफ एक्स एंड वाई आर टू रियल नंबर्स देन देयर एग्जिस्ट एन बिलोंग्स टू एनी। यानी कि कोई एक्स और वाई दो रियल नंबर है तब कोई एक नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करेगा सच दैट एन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वाई। If y greater than x, यहाँ पे या if की जगह where लिख सकते हैं, where y greater than x, या फिर हम कह सकते हो और साथ में एक कंडीशन और है फ्रेंड्स, x greater than 0। यानी x greater than 0 हो तो उस कंडीशन में हमारे पास ये सेटिस्फाई करेगा। प्रूव करते हैं, प्रूव देखते हैं फ्रेंड्स। गिवन दैट y greater than x दिया हुआ है हमारे पास कि y है वो x से बड़ा है। लेट x बराबर x, 2x, 3x, डॉट 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 एन एक्स, एन प्लस वन एक्स, और इस तरह से हमने मान लिया एक सीक्वेंस मान लिया x की जो टर्म है उनका x हो सकता है। उसके बाद 2 का मल्टीप्लाई करके 2x लिख दिया, 3x लिख दिया इस तरह से, क्योंकि x ग्रेटर देन 0 है तो x से बड़ा 2x होगा, 2x से बड़ा 3x होगा, इस तरह से इन्फिनिटी तक जाएगा। सपोज दैट गिवन स्टेटमेंट इज रॉन्ग। हमने सपोज कर लिया कि ये जो स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है। अगर ये रॉन्ग है तो रॉन्ग होने पर क्या होना चाहिए हमारे पास? एन एक्स लेस देन इक्वल टू वाई फॉर ऑल, फॉर सम। यानी कोई हमारे पास एन एक्स लेस देन इक्वल टू वाई होगा, हर फॉर ऑल लिखेंगे, फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन, यानी हर एन के लिए हमारे पास एन एक्स लेस देन इक्वल टू वाई होगा। इफ एन एक्स लेस देन इक्वल टू वाई फॉर सम एन, अगर एन एक्स लेस देन इक्वल टू वाई फॉर सम एन है हमारे पास, तो ये हमारे पास कि y जो है y कोई एक नेचुरल नंबर है हमारे पास, रियल नंबर है फ्रेंड्स, तो ये हमारे पास इंडिकेट करेगा कि s जो है वो अपर बाउंडेड सेट है, क्योंकि nx यानी x, 2x, 3x, डॉट डॉट nx, n प्लस 1x सभी की जो वैल्यू है वो लेस देन इक्वल टू y है। तो इस कंडीशन में जो y है ये कह रहा है कि हमारे पास जो सेट s है वो अपर बाउंड है। सो इसका मतलब हुआ हमारे पास एस का एक सुप्रीमम एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि हर अपर बाउंड का एक सुप्रीमम एग्जिस्ट करता है फ्रेंड्स। तो यहां से हम कह सकते हैं लेट अल्फा एक्स इज द सुप्रीमम ऑफ एस। फ्रेंड्स, अल्फा एक्स सुप्रीमम ऑफ एस मान लिया, देन अल्फा एक्स लेस देन इक्वल टू अल्फा प्लस वन एक्स। यानी कि हमारे पास अल्फा एक्स को हमने सुप्रीमम माना है, तो अल्फा प्लस वन एक्स जो होगा वो इससे छोटा होगा, क्योंकि हम अल्फा क्या है, पॉजिटिव नंबर है, और उसमें वन ऐड कर रहे हैं, अल्फा प्लस एक्स, अल्फा प्लस वन एक्स, ये इससे छोटा होगा। नाउ टेक इंटीजर पार्ट ऑफ अल्फा प्लस वन, इन अल्फा प्लस वन का हमने इंटीजर पार्ट लिया है फ्रेंड्स। जैसे 1.2 था, अल्फा का 1.2 है, तो अल्फा प्लस वन क्या हुआ, 2.2, और हमने इसका इंटीजर पार्ट लिया है 2। तो 2 यानी 1.2 अल्फा इज लेस देन 2 अल्फा। ये इस तरह से हमने इंटीजर पार्ट लेके हमने प्रूव किया है कि अल्फा एक्स क्योंकि अल्फा एक्स लेस देन अल्फा डैश लेस देन, यानी अल्फा प्लस वन इक्वल टू अल्फा डैश। यानी कि हमने अल्फा डैश एक अलग से ले लिया कि ये इंटीजर पार्ट है। अब फ्रेंड्स, अल्फा जो होगा वो लेस देन इक्वल टू अल्फा डैश, सो लेस देन अल्फा डैश लेस देन अल्फा प्लस वन, ये होगा फ्रेंड्स। सो अल्फा डैश डॉट एक्स, यानी जो ये पार्ट है इंटीजर पार्ट, और अल्फा डैश एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये हो गया हमारे पास अल्फा डैश एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो अल्फा डैश ये हो गया अल्फा डैश एक्स बिलोंग्स टू एस, बट अल्फा एक्स इज नॉट ऑन सुप्रीमम ऑफ, बट अल्फा एक्स ये क्या कह रहा है, अल्फा डैश एक्स जो कि बड़ा है वो नेचुरल नंबर, क्योंकि सॉरी यहाँ पे एस आया बिलोंग्स टू एस, ये बिलोंग्स टू एस कर रहा है। यानी कि हमने प्रूव कर दिया कि कोई बड़ा नंबर जो है वो एस में प्रूव कर रहा है, तो इसका कॉन्ट्रोडिक्शन आ गया कि अल्फा एक्स जो है हमने माना था वो एक सुप्रीमम नहीं है, ये कॉन्ट्रोडिक्शन आ गया। तो इस कंडीशन में हम कहेंगे ये कंडीशन कब आई थी, जब हमने एन एक्स लेस देन इक्वल टू वाई माना था, तो एन एक्स ग्रेटर देन वाई फॉर सम एन ये हमारे पास एग्जिस्ट कर जाएगा। इस तरह से थ्योरम प्रूव होती है फ्रेंड्स।